सभी श्रोताजनों को रविन कोटक का न्यूजीलैंड ऑकलैंड से प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने कई बहुत समय से वीडियो नहीं दिया है आप लोग को, और कई लोग के प्रश्न आए कि क्या बात है आपके वीडियो आ नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा उलझा हुआ था कि मैं कर नहीं पाया। तो बहुत क्षमा चाहता हूँ मैं सभी लोग से, और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को मैं रेगुलर वीडियोस देता रहूँ। तो आज हम जानेंगे कि भाई बीमारी को हम कैसे दूर करें, और ये बीमारी का इलाज दवाई में है या और कुछ भी कर सकते हैं हम। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, न्यू डाइट सिस्टम में दवाई को हम महत्व नहीं देते हैं, हम उसके बीमारी की जड़ में जाते हैं, और वो जड़ होती है हमारा खाना। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, बहुत ही महत्व की चीज है। लेकिन हम लोग ना कोई डिसिप्लिन है खाने में, जब मर्जी पड़े जितने बार हम खा लेते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, और यही सब बीमारियों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये कैसे होगा, आपको ये प्रश्न होगा, तो मैं ये बताऊं कि भाई जैसे हम खाते हैं, तो खाने का भोजन जो भी हम कुक फूड खाते हैं उसको कम से कम 12 से 16 घंटे पचने में लग जाते हैं, लेकिन वो पचता नहीं है, हम फिर दूसरा खा लेते हैं। जैसे कि सुबह नाश्ता किया, अभी वो 3 घंटे नहीं हुए, 3-4 घंटे में फिर खाने में बढ़ जाते हैं हम। एक खाना पचता नहीं है, दूसरा हम खा लेते हैं, और इस तरह हम हमारे ऊपर इतना लोड डाल देते हैं कि खाना पच ही नहीं पाता है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो खाना नहीं पचने के कारण जो है वो वहीं पड़ा रहता है कई दिनों तक, और उसी में से कैंसर तक की बीमारी आती है, ये इसका मूलभूत कारण है। लेकिन हम लोग दवाइयों में जाते हैं और तरह तरह के इलाज करते हैं, लेकिन ये जो जड़ है या मूड़ है बीमारी का, उस पे ध्यान नहीं देते। तो न्यू डाइट सिस्टम बहुत ही सिंपल है, नेचर से जुड़ा हुआ है। वो यही कहता है कि भाई आप अगर अपना खाना बरोबर रखोगे तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकेगी। प्राकृतिक भोजन खाइए। अब इसमें भी कुछ तरीके होते हैं प्राकृतिक भोजन भोजन में भी, तो जैसे कि हमें उसमें जीवंत खुराक खाना चाहिए, लिविंग वन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसा उस बीज को हम पौधे के लिए डालते हैं तो उसमें से पौधा बाहर आता है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो जीवंत है। जैसे स्प्राउट्स है तो वो हम खाते हैं कि खाना चाहिए कि ये सब जीवंत खुराक है, तो ना कि हम पैकेट्स खाते हैं, नमकीन हो या फिर बिस्किट्स हो या कई चीज़ें हैं हम खाते रहते हैं, तो ये सब जो है ना निर्जीव खुराक है, जो कि कोई भी आपको उसमें से न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, लेकिन आपकी जो है बीमारी को बढ़ा देगा। तो हमेशा जीवंत खुराक खाना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें होलसम खाना चाहिए, यानी पूर्ण रूप में लेना चाहिए। जैसे कि हम चीनी के जगह गुड़ खा सकते हैं, या तो फिर समझो नारियल का तेल नहीं, नारियल लेना चाहिए। इस तरह पूर्ण जो भी होता है उसमें हमको ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो इसके अलावा जो है तीसरा मैं ये कहूँगा कि हमें जो है ना प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए। प्लांट बेस्ड क्या होता है, जैसे कोई भी सब्जी,
फल सब कुछ खा सकते हैं, ना कि मांस मच्छी या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। इसको छोड़ के पूरे प्लांट बेस्ड खुराक हमारा रहना चाहिए, जिससे क्या है तत्व मिलते हैं शरीर को जो ज़रूरी है, और उसी के कारण जो है हमारे शरीर में जो भी खामियां होती है वो सब पूर्ण हो जाती है, और उसके हिसाब से हमें बीमारी आती नहीं है। तो कभी भी प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए, ना कि निर्जीव, या तो फिर हम पैक फूड खाते हैं। अब वो कब बनता है, कब पैक होता है और हम कब खाते हैं, बहुत बड़ा ड्यूरेशन रहता है। जैसा गीता जी में कहा है भगवान ने भी कि खाना पकाया हुआ भी 3 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए, 3 से 4 घंटे में। इसका कारण कि वो तामसी हो जाता है। तो ये भी हमारे गीता जी में भी भगवान ने ये बताया है, लेकिन हम लोग ये 3-4 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 4-4 दिन फ्रिज में रख के खाते हैं, और ये खुराक कोई भी इसमें जीवंत नहीं रहता है। ये सब निर्जीव खुराक हम खाते हैं और इसी के कारण बीमारियां आती हैं। तो ये चीज़ हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उस पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए हमें। और ज़्यादा से फ्रूट भी जैसे कि आप खाओ, तो हमें ये देखना है कि भाई हम वाटर रिच फूड हो, जैसे जिसमें जूस सबसे ज़्यादा निकले वो फ्रूट बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि वाटरमेलन ले लो, ऑरेंज ले लो, ग्रेप्स ले लो। ये सब में क्या है, जैसे ही आप उसको जूसर में डालोगे तो काफ़ी सारा जूस निकलेगा। ऐसे फ्रूट्स जो है शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सुबह शुरुआत केले से नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें कोई जूस नहीं होता है, लेकिन खा सकते हैं बाद में, लेकिन शुरुआत जो है आपको जूसी फ्रूट से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये कुछ आज की शुरुआत है, मैंने कहा क्या खाने से, और ये जब हम खाते हैं कोई भी बीमारी रहो आपकी, अगर आप 3 महीने लगातार इस प्लांट बेस्ड फूड पे आते हो, और साथ ही साथ पुराना कचरा जो आपने जमा किया है, टॉक्सिन जो पड़े हैं शरीर में, उसकी सफाई कर दी है, तो 3 महीने में, 3 से 6 महीने में कोई भी बीमारी से आप मुक्त हो सकते हो। तो बस सभी से यही निवेदन करूँगा कि पेट की एक सफाई करनी चाहिए। एक तो सुबह शुरुआत अपनी ग्रीन जूस से होनी चाहिए, जिससे जो है पुराने पड़े हुए टॉक्सिन उसमें से अपनी आंत से निकाल के वो बाहर ले जाती है, और उसके बाद जो है एनीमा करना चाहिए। इस तरह पुरानी टॉक्सिन को हम निकाल सकते हैं, और उस निकालने के बाद जब हम प्लांट बेस्ड डाइट पे आते हैं तो पूर्ण रूप से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और हमें कोई बीमारी उसके बाद देखने को नहीं मिलेगी। ये हजारों करोड़ों लोग का अनुभव है कि सिर्फ डाइट चेंज करने से क्या क्या अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं, ये अनुभव करके ही आपको समझ में आएगा। अगर आपने अनुभव नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करिए, भारी से भारी बीमारी से मुक्ति मिलती है, ऐसे कई लोग के अनुभव है। तो बस आज इतना ही, और आगे भी मैं मिलता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से क्षमा चाहता हूँ बहुत अंतर या गैप देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बस सुनते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।